नमस्कार किसान भाइयों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर। आज कुछ सीएम भी काफ़ी गड़बड़ कर रहा है किसानों के खेत में, तो उसके लिए थोड़ा सी धूप निकली हुई है, तो धूप में क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए और कौन सा स्प्रे शेड्यूल लेना चाहिए, तो डेमो में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे खुद के खेत में इसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मेरे पास कम से कम 3 प्लॉट है यहाँ पर, तो तीनों प्लॉट में अलग 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 ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। बाय द वे, जैसे कोई किसान बोले कि प्रैक्टिकल डेमो, तो वो डेमो मैं हर जगह पे ले रहा हूँ। जैसे आज के डेट में ये डेमो सेशन है मेरा, मैं प्लॉट दिखा देता हूँ। जैसे ये नीचे वाला प्लॉट अलग है, वहाँ पे अलग शेड्यूल और अलग ट्रीटमेंट चल रही है। ये ऊपर वाला जो प्लॉट है, इसमें अलग शेड्यूल और अलग ट्रीटमेंट चल रही है। और ये झाड़ियाँ आपको दिख रही है, इसके आगे एक प्लॉट है मेरा, वहाँ पे अलग शेड्यूल और ट्रीटमेंट चल रही है। तो मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ मेरे प्लॉट में कि जो गड़बड़ियाँ जो समस्याएं आती है, तो हर वक्त उस समस्याओं को बाय द वे ऑर्गेनिक जैविक इन चीजों से कैसे एक ही जगह पे रोक ले। दूसरा, इतने सारे एग्रोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपना कुछ समय कार्य प्रणाली में दिया हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्राइमरी कंट्रोल है, तो वो चीज़ों का भी मैं यूज मेरे साथ किस खेत में कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली ये समझ में आएगा कि कौन सी दवाइयों का प्रयोग कब कैसे करना चाहिए और हमें उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, वो एक प्राइमरी में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सीएमए के लिए जो व्यक्तिगत मैं मिट्टी का स्प्रे जो मतलब बोला हुआ, तो कई सारे किसान मित्रों के फोन आए कि अभी बारिश चल रही है, तो बारिश के दिनों में मैं गड्ढा कहाँ पे खोदूँ, कहाँ से मिट्टी लाऊँ, मिट्टी गिल्ली निकलेगी, तो मुझे रासायनिक का कोई पर्याय बताइए। तो रासायनिक का भी मैंने उसमें कुछ फोटो वीडियो भेज शायद मैंने उस वीडियो में बोला हुआ है, लेकिन किसान मित्रों को वो चीजें अपनी जगह पे जहाँ पे वो उनका रहने का ठिकान है वहां पे नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं किसान के पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है जो मार्केट में एग्रोनॉमिस्टों के मुंह से बोली जाती है। तो आज के डेट में आपको नॉर्मल तरीके से ये समझना है कि क्या क्या आपको लेना है। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे। जैसे अभी धूप आ रही है, तो धूप के लिए ये खुद मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये फेप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोपिड 40% है, ये 200 लीटर के बैरल में ये 100 ml मैंने डाला हुआ है। कार्बनडिजम मैनकोजेब, ये कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। ये कार्बनडिजम 12% और मैनकोजेब 63%, ये फंगीसाइड है, ये भी 200 लीटर के बैरल में 100 ग्राम ही डाला हुआ है। और ये क्लोरो साइपरमेथ्रिन, ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, लेकिन पर्याय नहीं है आज के डेट में किसान मित्रों को इस थ्रिप्स माइट्स वाइट फ्लाई इससे बचने के लिए। ये क्लोरो पायरीफास है, क्लोरो साइपरमेथ्रिन है मित्रों, ये 50-5 का कॉम्बिनेशन है। ये 200 लीटर के बैरल में 200 ml मैंने लिया हुआ है, 100 ml मैंने लिया हुआ है इसमें आज के डेट में, क्योंकि ये ड्रिंचिंग का 200 ml है इसलिए मेरे मुँह से निकल गया, ये 100 ml मैंने लिया हुआ है। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर 200 लीटर के बैरल में 50 ml, ये स्प्रेडर है, जब आप स्प्रे करोगे तो पूरे पत्तों के ऊपर इसको फैलाने का ये काम करेगा। ये नीम ऑयल है मित्रों, नीम ऑयल इसमें 200 लीटर के बैरल में 50 ml खाली लिया हुआ है। इतना सारा मिश्रण करके इस मिश्रण को पत्तों के ऊपर फॉगिंग किया हुआ है, फॉगिंग ना कि पौधे को नहलाया है। दूसरी बात, स्प्रे करते समय ये ध्यान रखना है कि जो पौधों में सीएमवी इफेक्ट कर चुका है, जिस पत्तों में सीएमवी दिख रहे हैं, जिस पौधे के ऊपर दिख रहे हैं, उनमें अभी आज के डेट में स्प्रे नहीं करना है। बाकी जितने प्लॉट है, जैसे 4000 पौधों में 500 पौधों में आपके यहाँ पर अगर सीएमवी इफेक्ट कर रहा है, तो उन पौधों के ऊपर आज के डेट में स्प्रे नहीं करना है। पहले जिनमें नहीं आया हुआ है उनके ऊपर प्रोटेक्शन कर लीजिए, 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद में क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो वो रिजल्ट मिलने के बाद में उसके ऊपर प्रोटेक्शन कीजिए। स्प्रे में होता क्या है, आप रैपिडली पूरे पौधों के ऊपर स्प्रे करते हो, तो जहाँ पे वो थ्रिप्स माइट्स जो वायरस जहाँ जिस पौधे के ऊपर आ गया है उसके ऊपर भी आप अगर स्प्रे कर देते हो, तो उसका घर तो आपने तोड़ दिया। घर तोड़ने के बाद में अगर आप
ये चाहते हो कि मेरे खेत में और ये स्प्रेड ना हो तो वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पौधे को छेड़ दिया, तो ये चीजें नहीं करनी है। दूसरी बात, 200 लीटर के बैरल में जैसे ये स्प्रे किया तो उसी दिन या उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर ड्रिंचिंग कर सको तो 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 200 ml क्लोरोसाइपरमेथ्रिन और 50 ml सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ये मिक्स करना है और पौधे के तने के पास में 200 ml डायरेक्ट तने के पास ड्रिंचिंग कर देना है। ये इतने ट्रीटमेंट कर लीजिए मित्रों, 100% मेरा खुद का 3 साल का 4 साल का अनुभव है और मेरे पास पिछले मैं 15 से 20 दिन से किसानों को जो गाइडलाइन दे रहा हूँ तो मेरे पास फोटोज भी आए हुए हैं, तो रिपेयर हो रहा है, आने वाला नया पत्ता अच्छा और हेल्दी आ रहा है। क्लोरोफिल बनाने के लिए उसमें अच्छा हाइड्रस बनाने के लिए आगे का फर्टिगेशन शेड्यूल मैं बताऊंगा, लेकिन पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट इन चीज़ों की कर लीजिए। दूसरा, पौधों के जड़ों के कक्षा में वापशा कंडीशन होना बहुत आवश्यक है। वापशा कंडीशन मतलब कि कोई किसी किसान ने पूरे खेत में ऐसे फ्लैट में पौधा लगा के रखा हुआ है, तो फ्लैट में लगा कर रखा हुआ है तो पौधे के तने से 1.5 फीट दूर नाली निकाल लीजिए ताकि पौधे के जड़ों के कक्षा में हवा का आवागमन रहे, पौधे के जड़ों के कक्षा में हवा लगे, ताकि पौधों के जड़ों के पास अगर हवा लगेगी तो जो पचपच जो पानी है वो लीच आउट हो जाएगा, तो पौधे के जड़े जो भोजन लेने की प्रणाली है उसके और दौड़ेगी, नहीं तो पौधे के जड़ों के पास में पानी अगर टिका हुआ है तो आप कितना भी कुछ भी काम कर लो वो आपके उपयोग में नहीं आने वाली है ये ड्रिंचिंग और एक स्प्रे। इतनी सारी चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप फोन पे बात कर सकते हो, मेरा नंबर 9984-1915-67 और पर्सनल जो कंपनी का नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। आपको केले में जो भी आज के डेट में समस्या आ रही है आप बिंदास बात कर सकते हो। गणेश किसान, मैं आप लोगों के साथ में किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर, आपको जो भी सहायता चाहिए आप कभी भी फ़ोन कर पूछ सकते हो, या फिर फ़ोन कॉल नहीं उठ रहा है, ज़्यादा रिंग आप लगा चुके हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, वीडियो डाल दो, ठीक है। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।